आंधी से कहो औकात में रहे, हम वो पत्ते नहीं जो पतझड़ में झड़ जाएं, और हम वो बच्चे भी नहीं जो एक दो क्वेश्चन को देखकर डर जाएं। और उन्हीं बच्चों के लिए मैं हर त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा रफ्तार सीरीज में एक नया लेक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 1। और आज के लेक्चर में हम बहुत ही खतरनाक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिनका नाम है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कैथोड रेज और एनोड रेज। अब मैं आपको बता दूं बेटा, आज हम यही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे यार, लेकिन इन टॉपिक्स को ना उधेड़ कर रख देंगे, और सिर्फ इन टॉपिक को नहीं, आज के बाद हर एक टॉपिक को, क्योंकि मैं मान के चलता हूं और बहुत सारे बच्चों का यह मानना भी है कि सर मोर कॉन्सेप्ट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता था, सर मोर कॉन्सेप्ट चैप्टर में हमें बड़ी दिक्कत होती थी, पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी आप लोगों को वो चैप्टर बहुत स्ट्रांग करने के लिए, इवन एनसीईआरटी लेवल तक नहीं, मैंने आपको ऐसे कई कॉन्सेप्ट दिखाए उसमें जो आपने पहली बार देखे होंगे और जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। और मुझे भरोसा है क्योंकि जब आप कमेंट्स में लिखते थे ना, सर इस क्वेश्चन का आंसर यह है, इस क्वेश्चन का आंसर यह है, तब मुझे फील हो जाता था कि नहीं अब तुम सीख रहे हो भाई, तुमने सीखना शुरू कर दिया है, तुमने पढ़ना छोड़ दिया है, रटना छोड़ दिया है, अब तुम सीखने वाली कैटेगरी में आ चुके हो। और मैं आपको बताऊं, आपके वो कमेंट देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जो अपना इनपुट दे रहा हूं ना उसका मुझे आउटपुट भी मिल रहा है। तो बेटा प्लीज समझिएगा, जितने भी कंफ्यूजन थे आप उसके मैक्सिमम उन कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करो, और उसके बाद मोर कॉन्सेप्ट चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद आ जाओ अब नए चैप्टर पे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहां से आपको एक सिंगल कंफ्यूजन नहीं आएगा, यह मैं बात कर रहा हूं, हर्ष त्यागी बाहुबली बात कर रहा है, कि एक कंफ्यूजन नहीं आएगा, मेरी गारंटी है, चाहे वो आपकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री हो, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, मैथ थोड़ा अड़गम सड़गम होता है, उनको लगता है कि सर पता नहीं किससे मल्टीप्लाई कर देते, किससे डिवाइड करते, तो वो मैं मान के चलता हूं, यहां से कहानी बिल्कुल अलग है, मजा आने वाला एकदम फुल। तो प्लीज बी कॉन्फिडेंट सबसे पहले, और दूसरी चीज मैं एक और बात बोलूंगा कि आप लोग ना अपने आप को थोड़ा बड़ा मान के चलो, सब्जेक्ट को थोड़ा छोटा मान के चलो। कुछ लोग क्या करते हैं कि यार ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, इतना खतरनाक सब्जेक्ट, ओहो, मतलब तब तुमने मान ही लिया कि वो खतरनाक है और तुम उसके सामने कुछ हो नहीं, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम छोड़ो ना पढ़ाई, क्या कर रहे हो पढ़ाई यार। लेकिन अगर तुम ये मान लो, अच्छा केमिस्ट्री तो है, अच्छा क्या दो चार क्वेश्चन ही तो है, अरे इनकी ऐसी की तैसी आज लगाते देखे क्या कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन, हम है भाई हम पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स, ऐसी तैसी कर देंगे कि क्वेश्चन की, ऐसे ही हमें करनी भी है। चलो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक नया चैप्टर, एक नई शुरुआत, और कहानी सॉरी थोड़ी इस तरह से स्टार्ट होगी बेटा कि बहुत कहानियां बहुत मजेदार स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपने जब 9th क्लास में और 10th क्लास में एक लॉ पढ़ा होगा, डॉल्टन का एटॉमिक लॉ या मॉडल ऑफ डॉल्टन है ना भाई, तो उसमें आपने जाना होगा कि डॉल्टन बाबा एक साइंटिस्ट थे और वो ये कहकर गए कि दुनिया का हर एक स्पीसीज, हर एक मटेरियल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिनको हम एटम कहते हैं, ऐसा उनको लगता था, अपने हिसाब से बढ़िया लगता था उनको एकदम। लेकिन होता क्या है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने कोई रिसर्च करी और उसी रिसर्च के बाद कोई रिसर्च रुक गई हो, रिसर्च होती गई, उनकी बातों में जो कमियां थी वो पूरी होती गई, और ऐसे ही बेटा धीरे धीरे साइंस भी डेवलप होती चली गई। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एटम के बारे में, कि पहले हम ये जान लें कि ये जो एटम है ना ये है क्या। प्लीज समझने की कोशिश करिएगा मेरे बच्चों, आप समझने की कोशिश करिएगा कि भाई हम लोग ये बात जानते हैं कि दुनिया का कोई भी एटम हो उसके सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विराजमान है, बैठे हुए हैं कुर्सी पसार कर, और बाहर जो होती है बेटा जी ये हमारे पास सेल्स होती हैं। सेल्स का मतलब क्या हो गया, बोलो बोलो, सेल्स का मतलब क्या हो गया सर, जहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बिल्कुल सही जवाब, तुम सही बोले बिल्कुल, कि भाई इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहते, न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, बस ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अब कहानी स्टार्ट करते हैं कैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन आते गए, जरा देखिए। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बात करूंगा और एक लॉज के बारे में बात करूंगा जिसके आपने पढ़ा होगा, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट या कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई थी, ठीक है, वो कहानी सब बताऊंगा मैं। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, यहां पर मैंने एक एपरेटस जो है वो दिखाया है और आपको बताया गया कि भाई यहां पर एक ग्लास की ट्यूब है, बिल्कुल साधारण भाषा में
अंग्रेजी में नहीं, ग्लास की ट्यूब है बिल्कुल एक, और इसके अंदर ऑलरेडी बहुत कम गैस होती है, मान लीजिए वैक्यूम के बराबर, वैक्यूम सही होता है, ठीक है। और इन गैस के अंदर मैंने दो मेटल की रोड लगाई इधर और इधर, मैंने अभी इनको एनोड और कैथोड नहीं बोला, क्या मेटल की दो रोड है बस सिर्फ, ये देखो अच्छा ये दो रोड है, और इन रोड को मैंने बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से जोड़ लिया। आप लोग जानते हैं कि भाई आपके घर में जितनी भी बैटरी है या कहीं पर भी आप बैटरी देखते हैं तो वहां पर दो चिमटियां सी होती हैं, मेटल की दो चिमटियां सी होती है जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा रहता है। तो उसका क्या मतलब है कि नेगेटिव वाला सर, नेगेटिव वाला कैथोड, पॉजिटिव वाला एनोड, इस तरीके से, समझ में आई बात? हाँ, अब जरा देख, अब होता क्या है, हम यहां पर एक काम करने वाले हैं और जो काम करेंगे ना वो आपको फील होगा। मान लीजिएगा कि ये मेरे पास एक बैटरी है और इसको ऐसे मान के चलना है कि भाई जैसे आपके घर में स्टेबलाइजर होता है, आपने ऐसे कट 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 बटन दबाया, बटन दबाते ही वोल्टेज बढ़ गई, वोल्टेज बढ़ती है ना ऐसे ही, अरे वोल्टेज बढ़ने का मतलब करंट बढ़िया से चला होगा, यहां पर अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पावर यानी पोटेंशियल डेवलप हो गया होगा। मेटल को जैसे ही वोल्टेज मिली, मेटल एक्साइटेड, अच्छा पहले कहोगे कि सर कैसे एक्साइटेड हुआ वो बताता हूं। तो मान लीजिए तुम हो और तुम बिल्कुल सुस्त हो, तुम बिल्कुल सुस्त हो और तुम ऐसे जा रहे हो, और जाते जाते मैंने तुम्हें ऐसे पकड़ा और कंसरी पे एक मारा और निकल गया, और तुम एकदम कैसे करोगे, किसने मारा, हाँ किसने मारा रे, किसने मारा, ऐसे ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे, ढूंढोगे ना, तो तुम एक्साइट होगा एकदम, जैसे ही तुम्हें एक लगेगा तुम एकदम एक्साइट हो जाओगे, डरपोक मत बनना, बी पावरफुल है ना। तो भाई कैसे कि जैसे ही तुम्हें कोई छेड़ेगा, कोई पावर सी देगा एक हल्की सी, तो आप एक्साइट हो जाओगे। वैसे ही क्या हुआ कि जैसे मैंने वोल्टेज को टक टक बटन दबाया, यहां पर ये मेटल भी एक्साइट हो गई, और मेटल के अंदर डाल्टन बाबा ये बात बोलकर गए हैं कि मेटल के अंदर भी छोटे 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 पार्टिकल हुए होंगे। बात समझ में आई? इधर देखो, मैंने इसको जूम करके दिखाया हाई टेक्नोलॉजी के थ्रू। हाई टेक्नोलॉजी क्या है, मेरे पास ये पेन है, इसे मैं बदल देता हूं सब कुछ, ठीक है। इधर देखो, मैंने क्या करा कि मैंने यहां का एक छोटा सा एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए बताया कि मेरे लाल पेलो, इधर देखो, कोई एटम रहा होगा जिसके सेंटर पे न्यूक्लियस होगा, और आप जो जानते हैं कि भाई सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स पे, और उसके बाहर बहुत सारी सेल्स होंगी, बहुत सारी सेल्स होंगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, आईटी जेई और आईटी एडवांस में एक बार एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन ये था कि हाइड्रोजन के अंदर कितनी सेल है, और तुम जैसे नालायक बच्चों ने वहां पर क्या आंसर दिया था पता भी है, सर वन, क्योंकि हमने तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा हुआ है 1s1, या जो बोर्स मॉडल के हिसाब से करते हैं सर वन, उसका एक इलेक्ट्रॉन है, पहले ही सेल में रहता है तो पहली सेल होती होगी। पर मैं आपको बता दूं, दुनिया में हर एक एटम, दुनिया में हर एक मॉलिक्यूल के पास इनफाइनाइट सेल होती है। बात समझने की कोशिश करिएगा, क्या होती है, इनफाइनाइट सेल होती है। वो अलग बात है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास रहना चाहता है, क्यों रहना चाहता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर यानी न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जब अट्रैक्शन की बात आती है ना, तो जिनके बीच अट्रैक्शन होता है वो पास पास रहना चाहते हैं, दूर होना नहीं चाहते, उनमें प्यार बहुत होता है, और दो प्यार करने वाले जितना पास रहेंगे उतना सिस्टम ठीक रहता है, स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। बात समझ में आई आप लोगों को? क्या साहब बिल्कुल सही बात है, यहां तक तो समझ गए। मैंने माना कि वो मेटल होगी और उस मेटल का ये एंथ सेल जो होगा वैलेंस सेल होगा, और इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। आप एक बात बताओ बेटा जी, क्या ये इलेक्ट्रॉन और क्या ये न्यूक्लियस आपस में प्यार करते हैं, बोलो बोलो। आपको कहे सर बिल्कुल करेंगे, इन पर नेगेटिव चार्ज, उस पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, नेगेटिव पॉजिटिव में और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, यूनिवर्सल लॉ है, जहां जहां पर अट्रैक्शन लगेगा वहां वहां पर स्टेबिलिटी आएगी। यानी अभी ये इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस, अभी बहुत स्टेबल फील कर रहे हैं, आई एम फाइन, पर प्लीज समझिएगा, जैसे ही मैंने यहां पर कट 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 का बटन दबाया तो भाई यहां पर वोल्टेज बढ़ी,
वोल्टेज बढ़ने के बाद इस मेटल को एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिलने के बाद इसके अंदर जो एटम थे एक्साइट तो ये भी होंगे, एनर्जी तो इनको भी मिलेगी। और एनर्जी मिलने का मतलब क्या हुआ, इन दो प्यार करने वालों के बीच में आपने आग लगा दी। आग लगाने का मतलब क्या हुआ, इसके कान में कह दे कि वो देख तेरे लिए क्या कह रहा था, इसको कह दे कि वो तेरे लिए देख पता नहीं क्या कह रही थी। तो जैसे इनके बीच में आग लगेगी तो मुझे बताओ इनके बीच में लड़ाई होगी, है ना। और लड़ाई होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्लीज समझिएगा, जैसे ही आप इसको एनर्जी सप्लाई करोगे, ठीक है भाई, एनर्जी सप्लाई करोगे या फिर कह लीजिए कि आप इसको इनके घर में आग लगाओगे, तो ये इलेक्ट्रॉन गुस्सा हो जाएगा, कैसे बोल दिया उसने मेरे बारे में ऐसे, ये एक्साइट हो जाएगा। और एक्साइट होने के बाद क्या होगा, ये इससे दूर भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट सेल में चला जाता है तो वहां से अब इस प्रोटॉन के साथ या इस न्यूक्लियस के साथ इसका कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि वो घर से इतने दूर आ चुका है, अब तो वो कोई और मिलेगा और लेके चला जाएगा। तो हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया भाई, इजेक्ट हो गया पूरा उस मेटल से। अब जरा देखो हुआ क्या, यहां पर कोई एक स्पीसी थोड़ा ही थी, एक एटम थोड़ा ही था, बहुत सारे एटम थे भाई। उन सारे के सारे एटम ने एनर्जी को होल्ड किया और आप सबने क्या करा, जैसे ही आप उन एटम को एनर्जी दोगे उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे और वो लोअर एनर्जी सेल से ऊपर भाग जाएंगे, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, बोलो यार। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही निकले होंगे। तो अभी एक्चुअल में क्या है कि इनके बारे में पता नहीं कि इन पर नेगेटिव चार्ज है, पर मैं आपको बता रहा हूं हुआ ऐसा था। अभी कैथोड बाबा को भी नहीं पता था ये बात, थॉमसन बाबा को, सॉरी। तो ये जैसे कुछ पार्टिकल निकलेंगे, तो ये पार्टिकल निकल रहे थे, सिर्फ निकल रहे थे, अभी इतना ही पता लगा है, चार्ज के बारे में कुछ पता नहीं लगा है। पर हमने देखा कि जब ये पार्टिकल निकले तो ये एनोड की तरफ भागे, किधर की तरफ भागे, एनोड की तरफ। एनोड पर कौन सा चार्ज था, सर पॉजिटिव चार्ज। अब प्लीज समझिएगा, पॉजिटिव चार्ज को कौन प्यार करेगा, सर समझ में आ गया। अगर ये पार्टिकल निकलकर पॉजिटिव की तरफ भागे, इसका मतलब ये हुआ कि इन पर कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज हुआ होगा। और मैं आपको बताऊं, ये इलेक्ट्रॉन देखे नहीं गए, तो मैंने सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किसी को दिखते नहीं है, किसी को नहीं दिखते, सच्ची बात बोल रहा हूं। हुआ क्या कि यहां पर एक केमिकल लगाया जाता है, और जब एक केमिकल लगाया जाएगा ना यहां पर, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन कुछ आसपास के जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे जो इसे नहीं टकराएंगे, वो जाकर इससे टकरा जाते हैं, और फिर यहां पर ग्रीन कलर का एक ग्लो या कह सकते हैं फ्लोरोसेंट जनरेट होता है, जिससे कुछ ऐसा ऑब्जर्व होता है कि भाई कुछ इधर से चलकर उधर चला गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को समझ पा गए होंगे। एक बैटरी होती है जिससे वोल्टेज बढ़ाते हैं, वोल्टेज बढ़ाने से इन मेटल्स को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है भाई। जब इनको आपको एनर्जी मिलेगी तो इनके अंदर जो छोटे छोटे एटम्स होंगे, उन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा एक्चुअल में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जैसे वो एब्जॉर्ब करेगा तो उसको गुस्सा आ जाएगा, फुल पावर में आ जाएगा, कैसे बोला उस न्यूक्लियस ने मेरे बारे में ऐसा। तो वो जैसे ही ऊपर भागेगा भागेगा भागेगा, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा उसको इस न्यूक्लियस की याद भी नहीं आएगी, वो छोड़ के चला जाएगा और किसी और के चक्कर में पड़ जाएगा। और जब वो इधर जाएगा उसको क्या दिख रहा है, अच्छा तूने हमें धक्के मारे थे ना, हमें मिल गया हमारा साथी पॉजिटिव चार्ज वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन, और ये इसकी तरफ भागे चले जाएंगे। ये था बेटा जी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो आगे देखो, अब क्या है, हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है कैथोड रे के बारे में। कैथोड रेस के बारे में प्रॉपर्टी जरूर पढ़नी है। पहले कह रहा कि कैथोड रेस ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, कैसे पता लगेगा इस बात का, प्लीज समझिएगा, कैसे पता लगेगा इस बात का। मान लीजिएगा कि भाई आप लोगों ने देखा होगा कि जो सन होता है ना, सन की लाइट जो होती है वो भी स्ट्रेट पाथ में चलती है, और मान लीजिए कि सामने सन है, बिल्कुल लाइट है, और मैं बीच में ऐसे खड़ा हूं, ऐसे खड़ा हूं, और जब वो मुझसे टकराएगी तो टकराने के बाद मेरी शार्प शेडो, बिल्कुल शेडो जो ब्लैक कलर की शेडो होगी वो एग्जैक्टली मेरे पीछे बन जाएगी, और बाकी कहीं पर मेरी शेडो नहीं बनेगी, बिल्कुल पार्टिकल दिखा रहेगा। तो इससे ये बात कंफर्म हो गई थी, इससे ये बात कंफर्म हो गई थी कि भाई जो सनलाइट है ना वो सीधे पाथ में चलती है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में चलती है। हमने क्या काम किया जरा देखो, हमारे पास एक फोटोग्राफिक प्लेट है, प्लीज समझिएगा, पता नहीं आप समझोगे कि नहीं समझोगे, समझना आपको चाहिए, नहीं समझोगे तो मैं बहुत कूटता हूं, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, है ना, जिस दिन मिलोगे उस दिन बहुत कूटूंगा मैं। अब आपको फोटोग्राफिक प्लेट की मैं कहानी बताता हूं। आप लोगों ने
अपने घर में फील करना प्लीज, पहले घर में। क्या तो सुना होगा किसी का, मम्मी का, पापा का, दादाजी का कोई एक्सरे हुआ हो, क्या हुआ हो, एक्सरे हुआ हो। और एक्सरे में तुमने देखा होगा कि जब एक्सरे मशीन में किसी इंसान को लिटाया जाता है ना, तो जब आप रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट आने के बाद जब उसको ऐसा देखते हैं तो कुछ पार्ट हमें काला काला नजर आता है और कुछ पार्ट हमें व्हाइट व्हाइट नजर आता है। और व्हाइट व्हाइट कौन सा पार्ट होता है, जहां पर बोन्स होती है, हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो जरा समझिएगा उस बात को मेरी, ऐसे ही क्या हो? वो क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअल में क्या कि अगर मान लो मैं खड़ा हो गया, एक्सरे में से पास होने लगी, तो मेरी पूरी बॉडी से एक्सरे पास हो जाएंगी, लेकिन जो सॉलिड रिजिड पार्ट होगा, मान लीजिए हड्डियां मजबूत हैं, ठीक है भाई, उनसे वो टकराएंगी। और पीछे अगर मान लीजिए मैं कोई प्लेट रखे बैठा हूं, मतलब कोई फोटोग्राफिक प्लेट कह लीजिए, है ना भाई, वो रखे बैठा हूं, तो वो पार्टिकल जैसे जैसे बेटा जिस पर लगेंगे फोटोग्राफिक प्लेट पर, वो उसको काला कर देंगे, लेकिन सिर्फ उस स्थान को काला नहीं कर पाएंगे जिसके सामने मेरी हड्डियां आ रही होंगी। समझ आई बात? अब जरा देखो एक और चीज बताता हूं मैं आपको। सपोज करो कि मैं यहां पर स्प्रे पेंटिंग करना चाहता हूं और मुझे अपने हाथ की स्प्रे पेंटिंग करनी है, तो मैंने ऐसे हाथ रखा और फुश 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 ऐसे स्प्रे करने लगा। जब मैं ऐसे स्प्रे करूंगा और मैंने अपना हाथ हटाया, तो आप देखोगे कि भाई इस बोर्ड पे हर जगह कलर आ गया होगा, हर जगह कलर आ गया होगा, सिर्फ एक जगह पर छोड़कर जहां पर मेरा हाथ रखा होगा, क्योंकि उस स्प्रे के लिए मेरा हाथ क्या था, एक रिजिड पार्ट था। बात समझ में आई? अब जरा देखो बेटा, जैसे एक्सरे किसी प्लेट को, जो आपके प्लास्टिक की प्लेट होती है, आप देखते हो अच्छा ये हड्डी टूटी, ये वाली जुड़ी हुई है, ऐसे ही उस प्लेट को हम कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट, और वो होती है ट्रांसपेरेंट या व्हाइट कलर की, ठीक है भाई, उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट। अब जरा देखो, आप मुझे एक बात बताने की कोशिश करना बेटा। मान लीजिएगा कि यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कैसे माने जरा यार, बड़ा जबरदस्त है ऑब्जेक्ट बना रखा हुआ है, ऐसे ऐसे स्टार टाइप का मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये बिल्कुल इसके सामने है ऐसे मानना, और इधर से बहुत सारी जो है कैथोड रेज चल रही हैं, कैथोड रेज के पार्टिकल ऐसे चल रहे हैं, और हमें पता कि कैथोड रेज भी फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कर देती हैं, क्या कर देती हैं, ब्लैक कर देती हैं, जैसे कि एक्सरे करती हैं वैसी कैथोड रेज भी कर देती हैं। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, जब ये से टकरा होगा रिजिड पार्ट से, तो ये वाली रेज आगे नहीं गई होंगी, सेम यहां पर भी, बाकी नीचे अगर आप देखोगे तो भाई जो इस ऑब्जेक्ट से टकराएंगी वो आपके पास वहीं रुक जाएंगी, और बाकी जो आपके पास होंगे बेटा जी वो आगे की तरफ बढ़ती रहेंगी, ठीक है। अब जरा देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहां पर इसकी एक शार्प शैडो बनेगी, ये अगर ऑब्जेक्ट होगा तो यहां पर आप इसकी एक शार्प शैडो बना दोगे और बाकी जगह पर क्या कर दोगे, काला कर दोगे। यानी इस बात से हमें क्या पता लग गया, बोलो इस बात से हमें क्या पता लग गया कि सर इससे यह बात पता लगती है कि जो कैथोड रेज है वो भी कहीं ना कहीं आपके पास स्ट्रेट पाथ में चलती है। तो यह बात ध्यान रखनी है कि कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कसम है तुम्हें, यह बात याद रखेंगे हमेशा के लिए। आगे बढ़िए, अब इसने कहा कि कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट एज दे कैन रोटेट द व्हील प्लेन इन देयर पाथ। जरा देखो बेटा, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, मैं अपने इलाके से बात करता हूं जो कि मैं जानता हूं। कई बार आप लोग किसी नहर को देखना, ठीक है भाई, कोई नहर है, उस नहर में पानी ऐसे जो है चलता रहता है, जैसे हरिद्वार जाएंगे आप, रुड़की जाएंगे आप, तो वहां पर आपको नहर में मिल जाएंगे, और वहां पर कुछ झूले टाइप के होते हैं, और वो झूले कैसे होंगे जरा देखो प्लीज, वो झूले कैसे होंगे कि वो पानी के साथ ऐसे टच करते रहेंगे। अब आप समझिएगा, जब पानी का फ्लो इधर रहेगा तो आप लोग जानते हैं कि इस वाले पार्ट पर एक फोर्स लगेगा, क्योंकि जो पार्टिकल है उनका कोई ना कोई एक्सेलेरेशन भी हो है, और पानी के पार्टिकल का कोई ना कोई मास भी होता है। तो आप मुझे बताइए, एफ इक्वल टू
एमए के हिसाब से यहां पर एक फोर्स सप्लाई होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। अगर हुआ तो ये व्हील क्या हुआ, ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। और आपने देखा भी होगा कुछ नहरों में, मतलब अगर किसी ने ज़ूम करा हो, कभी आसपास का कोई लोग हो तो जानते हैं इस बात को, कि अगर आप बहते हुए पानी में ऐसे कोई व्हील रखोगे ना, तो वो पानी उस पर एक फोर्स लगाएगा, जिस वजह से व्हील क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। और हमें यह बात समझ में आ जाएगी कि इस व्हील पर एक फोर्स लगा है, और फोर्स तभी लग सकता है जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मास हो, बिना मास के तो फोर्स लगेगा नहीं। बात समझ में आई? सही बात। अब जरा देखो हुआ क्या एक्सपेरिमेंट के अंदर, कि भाई ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे कैथोड रेज के, मैं उसको रिसेंबल करके बताऊंगा कि भाई ऐसे हमारे पास एक्स रेज के, सॉरी कैथोड रेज के क्या थे बेटा जी, पार्टिकल्स थे। अभी हमें कुछ नहीं पता, हमने सिर्फ इतना काम करा है कि एक्स रेज को इधर से इधर की तरफ मूवमेंट कराई, और हमने इनके बीच में एक लाइट व्हील पैडल रख दिया, बहुत हल्का पहिया रख दिया, वेरी लाइट व्हील ऐसे रख दिया। और मैं आपको बताऊं, जब ये से टकराया ना, जब ये से टकराया तो हमें ऑब्जर्वेशन हुआ, हमें क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन हुआ, और ये घूमने लगा भाई, ये ऐसे करके घूमने लगा। अब एक बात बताओ, क्या हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, या जिन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया होगा उन्होंने सोचा नहीं होगा, ओ भाई ये पहिया घूम रहा है, ये पहिया अगर घूमेगा इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। समझ में आई? फोर्स कब लगेगा, जब वो रेस मतलब कैथोड रेस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हो, और उन पार्टिकल का कोई ना कोई मास हो। बात समझ में आनी चाहिए यार, कसम दे दूंगा नहीं तो अभी खबसम हो जाएगी पूरी केमिस्ट्री। आप कहोगे सर बात तो सही कह रहे हो, आप सही पकड़े हो सर, आप ये बात हमें कंफर्म हो गई कि ये पहिया तो इसलिए घुमा होगा क्योंकि इस पर कोई फोर्स लगा होगा, और जब इस पर फोर्स लगा होगा तो बेटा जी बिना मास वाली चीज तो फोर्स लगा नहीं सकती। क्या मतलब हुआ कि अगर मास किसका होगा कि वो कोई ना कहीं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, क्योंकि दुनिया की हर वो चीज जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है कोई ना कोई तो मास होता ही है ना, तो यहां पर हम कहेंगे कि इनका कोई ना कोई मास है। तो एक तरीके से आइडेंटिफाई हो गया कि जो कैथोड रेज है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। बाकी तुम समझदार हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स नोन एज इलेक्ट्रॉन, जिनको हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। चलिए यह बताने की जरूरत है, समझ जाओगे, बोलो। अरे भाई सुनो, अगर मान लीजिए मैं कहीं पर भी ऐसा करता हूं कि मैंने ऐसे, प्लीज समझिएगा इस बात को, नहीं समझते हो तो कोई बात नहीं है, मैं फिर भी समझाऊंगा। मान लीजिएगा कि मैं कहीं पर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करता हूं, और मैंने कहा कि यहां पर इस वाले एरिया पर पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो तभी डेवलप होगा जब दो चार्ज होंगे, इधर नेगेटिव, ऐसे। अब जरा देखिए हमने क्या काम किया, हमारे पास ये है सोर्स ऑफ कैथोड रेस, इसको मैंने क्या बोला, माना सोर्स ऑफ कैथोड रेस। इसका क्या मतलब हुआ भाई कि सर ये वो चीज है जिसे कैथोड रेज निकलेंगी, निकालो, और जब मैं इनको निकालूंगा ना तो हुआ पता है क्या, कुछ पार्टिकल चले आगे बढ़े, ठीक है भाई। अब जरा देखो ये पार्टिकल ऐसे चले, हुआ पता है क्या, अभी तक तो सीधे चल रहे थे, कोई अट्रैक्ट करने वाला था नहीं। अब आप समझते हैं नेगेटिव चार्ज होगा तो किसी से तो प्यार करेंगे, और किससे प्यार करेंगे, पॉजिटिव, और नेगेटिव वालों से नफरत, क्योंकि नेगेटिव वालों को नेगेटिव वाले थोड़ा ही पसंद आएंगे, नेगेटिव वालों को पॉजिटिव पसंद आएंगे, पॉजिटिव वालों को नेगेटिव पसंद आएंगे, बाकी आप समझदार हैं ही हैं। तो हुआ क्या कि ये जो पार्टिकल थे, ये पार्टिकल सीधी लाइन में ना चलकर इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव वाली साइड, यानी पॉजिटिव फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड मूव करने लगे, मतलब रोटेट हो गए, उन्होंने अपना पाथ ही चेंज कर दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ यार, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव हो रहे हैं और नेगेटिव चार्ज से दूर जा रहे हैं, प्लीज समझिएगा,
यहां से इनके बीच में जुदाई हो गई है ना भाई, दूर हो गए, और यहां पर ये दोनों थोड़ा सा पास पास आ रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, नेगेटिव से कोई चीज दूर कब होगी? जब उसके पास भी नेगेटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव के कोई चीज पास कब जाएगी? जब उस पर भी कोई पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्या इस एक्सपेरिमेंट से ये बात पता लग गई मेरे लाल कि भाई इन पार्टिकल पर कहीं ना कहीं इन पार्टिकल पर कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव हुए। तो यहां पर कंफर्म हो गया है कि वो जो छोटे छोटे पार्टिकल थे वो आपके पास नेगेटिवली चार्ज थे और उनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हालांकि जब मैंने एक्सपेरिमेंट कराया था, जो आपको मैंने समझाया था, वो मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाल के तो बताया था, पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बात यह है कि मैंने समझाने के लिए पहले ही बता दिया था कि ऐसा होगा, ठीक है भाई। लेकिन ये समझना, ये जो मैंने आपको ये समझाया ना, ये वाला पार्ट, उस टाइम पर उनको ये बात नहीं पता थी, उस टाइम पर उनको ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर भागेगा। उन्होंने तो बस ये देखा कि अच्छा मेटल को वोल्टेज बढ़ाई, कट कट कुछ निकला, निकल गए उधर, कुछ चमक सी हुई तो कुछ पार्टिकल निकले, फिर उनके एक्सपेरिमेंट चल गए। मैं कह रहा हूं कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ये हुआ था, मैंने रीजन दिया उस बात का, ठीक है भाई। चलिए, तो ये बात आप समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या थॉट रेस ट्रेवल विद हाई स्पीड? अरे यार क्या बोले, हाई स्पीड तो होगी ना, मतलब वेलोसिटी है, तो इसको मैं नहीं, हाई स्पीड से चलती है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, कैथोड रेज कैन कॉज फ्लोरोसेंस। हाँ, ये मैं समझाना चाहूंगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा सर उस एक्सपेरिमेंट में जो हरे रंग की चमक उत्पन्न हुई, जो ग्रीन कलर का ग्लो हुआ, वो कैसे हुआ? उस घटना को आपने फ्लोरोसेंस कैसे बोल दिया? तो प्लीज समझिएगा, होता क्या है कि मान लीजिए कोई भी मटीरियल हो, धरती पर कोई भी मटीरियल हो, और वो मटीरियल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, फिर मैं वही बोलूंगा, और वो छोटे पार्टिकल को हम एटम कहेंगे, मैं फिर वही बात बोलूंगा, और उस एटम के अंदर बहुत सारी सेल्स होंगी, मैं वही रिपीट करूंगा और मैं बोलूंगा ऐसे बहुत सारी सेल्स होंगी। समटाइम्स क्या होता है कि मान लीजिएगा कि उस मटेरियल के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ठीक है भाई, या पाई इलेक्ट्रॉन थे, आगे चल के पता लगेगा क्या होते पाई इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पर अभी मान लीजिए पाई इलेक्ट्रॉन थे। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं छोटे छोटे पार्टिकल को मास वाले चीज से बार बार किसी चीज से स्ट्राइक करूंगा, तो क्या वो सरफेस गर्म हो जाएगा? बोलो, होना तो सही है। अब जरा देखो यार, जैसे मान लीजिएगा अगर मैं बार बार अपना हाथ मिल नहीं रहा मुझे, तो एक्सपेरिमेंट करके मना, मैं बार बार ऐसे करूंगा, ऐसे करता रहूंगा बहुत देर तक, तो क्या होगा? जब मैं इसको बहुत देर तक करता रहूंगा तो मेरा सर का जो ये है ना, ये बेटा गर्म हो जाएगा, गुल्ला निकल जाएगा बाहर, ऐसे मेरे हाथ भी गर्म हो जाएंगे बार बार मारने से। हुआ क्या कि जब कैथोड रे पार्टिकल्स किसी भी मटेरियल से टकराए होंगे, तो टकराने के बाद एक हीट तो देते होंगे, मतलब हीटिंग इफेक्ट तो होता ही है उनके अंदर, एनर्जी सप्लाई करने वाला तो इफेक्ट होता ही है ना। हाँ सही कह रहे हो। अब हुआ क्या कि जैसे ही कैथोड रेज किसी एटम से मटेरियल से टकराएंगी, तो वहां पर क्या करेंगी एनर्जी सप्लाई करेंगी। और हम लोग ये बात जानते हैं कि एटम को जैसे इलेक्ट्रॉन मिला उसको एकदम एक्साइट हो जाता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर तुरंत एनर्जी आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, जिससे वो बरसों से प्यार करता था उससे दूर होने की सोचता है कि नहीं, बोलो। अरे आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, ये इलेक्ट्रॉन पूरा एक्साइट, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर भागेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं इस बार इसको इतनी एनर्जी नहीं दी जाती कि तू निकल के बाहर भाग जाएगा, चुपचाप इतना रहे कि जितना यहां तक आ रहा है, मतलब लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी दी जाती है। जब आप लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से बाहर भी नहीं निकल रहा है, पीछे भी नहीं रहा है, तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन का बहुत अच्छे से ना बेवकूफ बनाया गया, बहुत अच्छे से बेवकूफ बनाया। अच्छा फिर क्या होगा यार, मैं बाहर भी नहीं निकला, मुझे कोई मिला भी नहीं पॉजिटिव चार्ज, और मैं जिसके साथ था वो भी नहीं है, तो वो भी मुझसे दूर हो रहा है, तो क्यों ना ऐसा कर लें कि चलो यार उधर तो कोई है नहीं, आपस में ही बैक चलते हैं, गुस्सा थूक देते हैं, वापस। जब वो वापस आएगा, तो जब वो आएगा तो गुस्सा एकदम ठंडा करता हुआ आएगा, चलो छोड़ो ना यार जो हुआ छोड़ो, गुस्सा ठंडा कर दिया। गुस्सा ठंडा करने का मतलब क्या होगा, एक्साइटमेंट कम, अपनी एनर्जी कम करके आएगा, और जब कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो उसको एनर्जी देनी, मतलब रिलीज करनी पड़ती है। तो यहां पर मैंने कहा कि ये जो एनर्जी है
ये रिलीज हो गई, ठीक है। और जब यह एनर्जी रिलीज होगी तो इनकी वजह से एक लाइट, एक चमक उत्पन्न होगी, उसी चीज को हम कहते हैं फ्लोरोसेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फ्लोरोसेंस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, यह एनर्जी निकलेगी, यह एनर्जी निकलने के बाद अगर कोई चमक उत्पन्न करती है, कोई कलर उत्पन्न करती है, तो इसी को हम फ्लोरोसेंस कहेंगे, इस घटना को हम फ्लोरोसेंस बोल देंगे, ठीक है। तो आई होप ये बात क्लियर हो चुकी है कि कैथोड रेज कैन कॉज फ्लोरोसेंस, राइट। चलिए आगे क्या कह रहा है, यह कह रहे कैथोड रेज हीट द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट। ये भी मान लेते हैं भाई, एक बात समझना, वही वाली बात है, मैंने भी तुमसे बोला ना, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, टक टक ऐसे कट कट हो रहे थे, तो मैं अपने हाथ को ऐसे मार रहा था ना बार बार, तो ये गर्म हो जाता मेरा टकला एकदम, है ना, एकदम गुल्लू निकल जाता इधर, ऐसे ही क्या होगा जरा देखिए। आप सोचना कोई मेटल है, मान लीजिए कोई मेटल है, उस मेटल पर दूसरी वजह से टक 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 बहुत देर तक करते रहना, आप खुद फिर वहां पे करने के बाद वहां से उस मेटल को टच करके देखना, आपको लगेगा कि सर यहां पर तो फ्रिक्शन, मतलब थोड़ा सा ये गर्म लग रहा है हमें, ये सरफेस हमें थोड़ा गर्म लग रहा है, ऐसे क्या होगा जरा देखिए। हुआ क्या कि मान लीजिएगा कि यहां पर एक रिजिड पार्टी, रिजिड ऑब्जेक्ट है, क्या लिया मैंने यहां पर, चलो भाई किसी का दिल में आग लगाते हैं अभी, ठीक है भाई, और यह दिल मैंने मेटल का बनाया है, तो इसको मैंने क्या लिया भाई, रिजिड हार्ट ले लिया मैंने, ठीक है भाई, इसमें आग लगाते हैं, इसको पिंगलाते हैं आज, ठीक है। हुआ क्या कि मान लीजिएगा इधर मेरे पास एक सोर्स है, इधर मेरे पास सोर्स है, कौन सी सोर्स होगी ये, कैथोड रे, तो मैं बोलूंगा सोर्स ऑफ कैथोड रेस। हुआ क्या जरा देखो मेरे लाल, कि भाई इधर से कैथोड रेस निकली, कैथोड रेस निकलेंगी तो आप लोग जानते हैं कि ये कैथोड रेज दिखेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दिखता, किसी के पिताजी को भी नहीं दिखता, किसी को नहीं दिखा तक, सीधा इससे जाके टकराने के बाद ये पता कैसे हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा आपका रेड हॉट हो जाएगा ये, एकदम गर्म हो जाएगा, लाल हो जाएगा अगर ये रिजिड हार्ट है, अरे चलो अच्छा मेटल का बना हुआ है ये भी सोच लो। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब ये जो पार्टिकल है कैथोड पार्टिकल, इनका मास होता है, मास प्रूफ कर दिया था हमने, है ना भाई, पार्टिकल होते हैं। अगर किसी मास को मैं कोई वेलोसिटी दे दूं पीम ऐसे, तो मैं जैसे कोई वेलोसिटी दूंगा तो क्या उनकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। आप कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी तो होगी, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है यानी कैथोड पार्टिकल चल रहा है, और टकराने के बाद यहां पर टकराया और टकराने के बाद रुक गया, मान के चलिएगा कि रुक गया, उसके बाद वो मूव नहीं कर पाया, इसे टकराता गया आगे नहीं जा रहा। अब एक बात बताओ, जब यहां पर कोई ना कोई एनर्जी थी जिसको हम क्या कहेंगे, उसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी थी कि नहीं थी, बोलो यार। आपको कहे सर यस, उनकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी थी जब वो मूव कर रहे थे, उनका कोई मास था, और हम एनर्जी कंजर्वेशन लोग कहते हैं एनर्जी नीदर बी गेट नॉट डिस्ट्रॉय बट कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वो टकराने के बाद उन्होंने चलना ही छोड़ दिया, और जब वो चलना छोड़ देंगे, प्लीज समझिएगा, 1/2 mv² बाबा कहते हैं ये फॉर्मूला, अरे जब वेलोसिटी ही जीरो हो जाएगी तो क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, बोलो। आप कहोगे सर बिल्कुल सही फरमाया, अगर वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, फिर वो एनर्जी कहां गई। आप कहोगे अब्बा ये जो एनर्जी थी ये इसके हीट के रूप में इसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर देगी, और पोटेंशियल एनर्जी जैसे इसकी बढ़ती जाएगी तो एक गर्म होता जाएगा, और गर्म होने के बाद ये एकदम गुस्से में आ जाएगा और रेड हॉट हो जाएगा। बात समझ में आई, तो ये बात समझ लीजिएगा कि कैथोड रेज हीट द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट। ये लाइन आपको समझ में आ गई हो। चलो भाई आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है ये, कैथोड रेज हीट द ऑब्जेक्ट, और सही तो हो गया ना, ठीक है आगे देखिए।
कैथोड रेज फॉल्स ऑन हैवी मेटल्स और प्रोड्यूसेस एक्स रेज। ये बात आपको समझनी है, ठीक है भाई, ये आप याद करके रखेंगे बेटा, कि जब किसी हैवी मेटल के साथ कैथोड रेज मतलब टकराती है तो वहां से एक्स रेज निकलती है, ठीक है भाई। बाकी ये एक्सपेरिमेंट आपको फिजिक्स में फिजिक्स वाले सर करवा देंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, कैथोड रेज पजेस आयनाइजिंग पावर, दे आयनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। ओहो, ये बात समझानी पड़ेगी क्योंकि ये लिंक ही है वो जो आगे आपको एनोड रेज को समझाने में और मजा देगा। ये क्या कह रहा है जरा देखिए, इसने कहा एक्सपेरिमेंट में चलते हैं वापस। एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है, ओ भाई इधर ना बहुत एट वेरी वेरी लो प्रेशर कब रहा होगा, जब इसके अंदर कोई ना कोई गैस तो होगी ना, जब कोई छोटी मोटी गैस होगी तभी तो प्रेशर होता है, अगर कोई गैस ही नहीं है फिर तो प्रेशर ही जीरो है। लेकिन अगर वो कह रहा है कि एट वेरी लो प्रेशर, इसका मतलब थोड़ी बहुत गैस होगी, ठीक है। अब जरा देखो, मैंने माना कि भाई अच्छा बात ठीक है, होगा क्या होगा कि मान लो जब ये क्या मतलब छोटे छोटे पार्टिकल जो होंगे कैथोड रेज के पार्टिकल, या जिनको आप इलेक्ट्रॉन भी कहते हो, ये पार्टिकल आप मुझे बताना किसी ऑब्जेक्ट से, और इस बार वो जो ऑब्जेक्ट है ना, इस बार जो ऑब्जेक्ट है प्लीज समझिएगा, वो ऑब्जेक्ट कोई और नहीं है, मैंने माना कि वो हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है, वो हाइड्रोजन गैस है, इसके पार्टिकल से टकराए होंगे। मैंने आपको क्या बताया कि जो कैथोड रेज है वो हीट भी देती हैं, ऑब्जेक्ट को हीट कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है। तो पहले क्या होगा कि जैसे ही कैथोड रेज इस पर गिरेगी, इनके बीच में आग लगाएगी, तो दो प्यार करने वाले हाइड्रोजन को वो अलग अलग कर देगी, और अलग अलग करने के बाद ये बॉन्ड जैसे टूटेगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड है अंबुजा सीमेंट से नहीं बना होता। तो मैंने कहा कि भाई वो दो हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो गई। अब एटम की बात करेंगे, मान लो कैथोड रेज उन एटम को भी एनर्जी सप्लाई करने लगी, तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसके सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है, और ऐसे इनफाइनाइट सेल होंगी और पहली सेल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऐसे मान लेंगे। लेकिन जब हम कैथोड रेज को इनके ऊपर अप्लाई करेंगे, कैथोड रेज भी तो हीट और एनर्जी सप्लाई करती है, जब वो इसको हीट या एनर्जी सप्लाई करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेते ही एकदम गुस्सा हो जाएगा, गुस्सा होने के बाद ये अपने प्यार करने वाले न्यूक्लियस को छोड़ देगा और ये इससे दूर होने की कोशिश करेगा, और जैसे ये दूर होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही वो न्यूक्लियस से बाहर निकला, हाइड्रोजन गैस की हालत पता है क्या हुई, अजी मैंने तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। यही घटना जो मैंने आपको बताई है, पूरा फील करवाया है कि कैथोड रेज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से टकराई, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करा, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था उसने एनर्जी को अब्सॉर्ब करा, लोअर एनर्जी लेवल से ऊपर भाग गया, इनफाइनाइट पे जैसे ही पहुंचा फिर उसको इसकी याद नहीं आएगी, दूर चला जाएगा, जैसे ही दूर चला जा गया तो हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो गया, एच प्लस में, तो ये किसमें कन्वर्ट हुआ, आयन में। यही लाइन में लिखी है, कैथोड रेज पजेस आयनाइजिंग पावर, दैट इज दे आयनाइज द गैस थ्रू विच दे पासेस। क्लियर है आपको के साथ, बिल्कुल क्लियर है। अब जरा देखिए भाई, कैथोड रेज प्रोड्यूसेस सिंटिलेशन ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, वो मैंने आपको पहले बताया था, वो जो ब्लैक शेडो है ना, वैसे ही सेम ऐसे मैं यहां पर बोलूंगा कि जब फोटोग्राफिक प्लेट पर कैथोड रेज डाली जाती है तो ये फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है, उनका मुंह काला कर देती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे दे कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटालिक शीट, ये कहता है कि ये मेटल की अगर थोड़ी छोटी सी शीट होगी बहुत, तो उसको पेनिट्रेट कर जाती है, आर पार निकल जाती है, ये तो आपको बात याद रखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसने बोला है द नेचर ऑफ दीज रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस और द कैथोड मेटीरियल यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब। ये मैं बिल्कुल समझाना चाहूंगा भाई, एक बार बताओ यार, मुझे खुद बताना, तुम सोच के कि ये लाइन तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगी, कि जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था मैंने तुम्हें थोड़ा ही बताया कि ये मेटल सोडियम है ना, मैंने तुम्हें ये बताया कि ये मेटल कॉपर है ना, सिल्वर ना गोल्ड, ऐसा कुछ नहीं बताया। मेटल से कोई भी हो,
भाई काम क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालना, और इलेक्ट्रॉन तो चाहे किसी का भी हो सबके बराबर एक ही जैसे होते हैं, एक ही जैसा मास होता है, एक ही जैसा चार्ज होता है, सब कुछ एक ही जैसे बिहेव करते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इन इलेक्ट्रॉन को हम कैथोड पार्टिकल कहते हैं, और ये पार्टिकल इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि मेटल किस, मतलब इलेक्ट्रोड किस मेटल का बना हुआ है और इसके अंदर कौन सी गैस भरी है। इनका काम है यहां से निकलकर सीधा इधर भागना, ठीक है। तो आई होप जो मैंने लास्ट वाली स्टेटमेंट आपको समझाई है, इधर देखो, इधर कहां गई वो, हाँ ये वाली, ये वाली, कि द नेचर ऑफ दीज रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस और द कैथोड मटीरियल यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़िए भाई, एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, प्रस्तुत हो गया। तुम कहते ना होमवर्क नहीं करता, तो मेरे बच्चे ये तुम्हारा होमवर्क नहीं देते सर, ये सारे क्वेश्चन होमवर्क होंगे तुम्हारे पास। और इस होमवर्क को मैं कहूंगा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कैथोड रे। चलिए भाई, ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर वन, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिएगा, ठीक है, कुछ नहीं कराऊंगा मैं आज। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज, ये मुझे बताना पड़ेगा भाई, इसको मैं समझाना चाहूंगा फिर उसके बाद बताऊंगा। देखिए भाई, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या है पहले ये समझिएगा। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है बेटा जी आपके पास चार्ज अपॉन में मास। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की या कैथोड पार्टिकल की, तो मैं लिखूंगी फोर इलेक्ट्रॉन और कैथोड पार्टिकल। आप मुझे बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, एक ने एक यूनिट चार्ज होता है ना भाई। अगर मैं इसका E by M का मतलब क्या, E जो है वो चार्ज होता है, M जो है वो मास होता है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो आपको पता है कि एक यूनिट का चार्ज मतलब होता है 1E, क्या होता है 1E। तो यहां पर कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और डिवाइड बाय मास कितना होगा 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम। तो ये स्पेसिफिक चार्ज होता है। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन चाहे किसी भी मेटल का निकला हो, जो वन यूनिट चार्ज रहेगा वो तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा ना। तो 1.6 × 10⁻¹⁹ क्या रहा न्यूमरेटर। आप कहोगे सर ये ऊपर न्यूमरेटर तो कॉन्स्टेंट है, और आप लोग ये भी जानते हैं कि जो मास रहेगा इलेक्ट्रॉन का वो भी कॉन्स्टेंट रहेगा। तो यहां पर मैंने क्या लिखा भाई, ये भी कॉन्स्टेंट है। तो क्या मुझे एक बात पता लग गई कि किसी भी इलेक्ट्रॉन या कैथोड पार्टिकल की जो स्पेसिफिक चार्ज होगा, ठीक है भाई, जो E by M होगा, एक कॉन्स्टेंट को दूसरे कॉन्स्टेंट से डिवाइड करेंगे तो क्या वो भी एक कॉन्स्टेंट ही होगा। ठीक है, आप लोगों को मैं कार्य दे रहा हूं, ये वैल्यू सॉल्व कर कमेंट बॉक्स में बतानी है। बात समझ में आएगी नहीं, क्लियर है। चलिए, ये मैं बताना भूल गया था, अब मैंने आपको बता दी है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं भाई। द स्पेसिफिक चार्ज ऑन कैथोड रेज ए ऑप्शन है डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, नहीं, गैस पे तो मतलब ही नहीं है। डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, नहीं, उस पर भी डिपेंड नहीं करता। डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथ, नहीं, इस पर भी डिपेंड नहीं करता। क्या कहता है, इज अ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रॉन पूरी दुनिया के लिए सेम चार्ज रखता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और मास भी कॉन्स्टेंट है उसका 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कॉन्स्टेंट है, इसीलिए क्या आंसर होगा मुझे पता नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन का भी आंसर देंगे, और इस क्वेश्चन को मैं क्या कहूंगा भाई, इस क्वेश्चन को मैंने कहा सेकंड क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन है जिसके बारे में आप बताएंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, अब हम बात करेंगे प्रोटॉन्स के बारे में। अब प्रोटॉन क्या है जरा देखो भाई, प्रोटॉन के बारे में आपको एक बात बताना चाहूंगा बेटा, कि जैसे मान लीजिएगा हाइड्रोजन एटम है, क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन एटम है, और हम लोग ये बात जानते हैं कि हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और बाहर क्या होता है बेटा जी, एक इलेक्ट्रॉन होता है। मान लीजिएगा कि मैं अगर हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दूं, बाहर निकाल दूं, या नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं, तो मेरे पास सिर्फ क्या हो जाएगा, एच प्लस बनेगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। अब आप समझिएगा, चाहे तो आप उसको H+ से रिप्रेजेंट करो
या ये सोच लो कि भाई इस न्यूक्लियस के अंदर तो एक ही प्रोटोन है, इसी को प्रोटोन कहते होंगे, राइट। तो जरा प्लीज समझिएगा, प्रोटोन के बारे में आपको दो चार चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है। वो मैं क्या है वो मैं बताता हूं। सबसे पहला काम जरा देखिए, प्रोटोन पर कितने पॉजिटिव चार्ज होगा, एक यूनिट। अगर मैं चार्ज की बात करूं, ठीक है भाई, ई की बात करूं, ठीक है भाई, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन प्रोटोन वो कितना होगा बेटा जी, क्यू इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कुलाम। ये बात ध्यान रखनी है, 1.916 कुलाम। ये बात क्लियर हो गई, राइट। अब जरा देखिए, ये जरा देखिए अब आगे, दूसरा मास ऑफ प्रोटोन आपको याद रखना है बेटा जी, बराबर होगा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। ये बात ध्यान रखेंगे। अब एक चीज आपको खुद निकालनी पड़ेगी, वो क्या है जरा देखो। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटोन, आज की पीपीटी में बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों के से ही पूछी बेटा जी, ऑफ प्रोटोन कितना होगा बेटा जी, आपको निकालना है चार्ज बाय मास। तो जरा देखो, चार्ज आपको दिया हुआ है, मास आपको दिया हुआ है, आप लोग मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में कि भाई स्पेसिफिक चार्ज जो प्रोटोन का होगा वो कितना है, राइट। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि बेसिकली प्रोटोन की जो डिस्कवरी करी थी, ठीक है भाई, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी उनका नाम था गोल्डस्टीन। यहां पर मैं लिख देता हूं, प्रोटोन वॉज डिस्कवर्ड, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने की थी, वैसी प्रोटोन वॉज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, ठीक है। बस ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोटोन के बारे में रखनी है। अब जरा देखिए, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा बेटा जी, आपको दूसरी रेस, अगर आपको प्रोटोन के बारे में थोड़ा सा पता है तो वो होगी अब हमारे पास एनोड रेस। प्लीज समझिएगा क्या होगा एनोड रेस के बारे में। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बेटा, हम लोग फिर से क्या करेंगे कि सर हमने एक ग्लास ट्यूब ली और हमने एक बार देखा कि भाई ये हमारे पास परफोरेटेड कैथोड है। परफोरेटेड कैथोड कैसा होता है भाई, जरा देखो, एक मेटल है, ठीक है भाई, प्लीज समझिएगा, एक मेटल है जो पूरी की पूरी, मतलब एक तरह से बिल्कुल प्लेन में है। अगर मैं ऐसा कर दूं कि भाई मैंने उसी मेटल को, प्लीज समझिएगा, अगर मैंने उसी मेटल के बीच में कुछ ऐसे स्पेस छोड़ दिया, ऐसे होल बना दिए, तो इनको हम कहते हैं परफोरेटेड कैथोड, ठीक है। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में हम थोड़े चेंज करेंगे, वो क्या है जरा देखो कि बैटरी हमारे पास सेम, मेटल हमारे पास सेम, मतलब मेटल ऑलमोस्ट वही है, पर होगा क्या कि इस बार ये जो आपके पास कैथोड है ये बिल्कुल एक सीधी रोड ना होकर ऐसी रोड लेते हैं जिनके बीच में स्पेस होते हैं, यानी होल बने होते हैं, छेद होते हैं, राइट। तो इसको हमने क्या बोला, परफोरेटेड कैथोड। अब जरा देखो हुआ क्या, आप मुझे खुद बताना भाई। और एक बात और ध्यान रखनी है, जितनी भी एनोड रेज है, एनोड रेज का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि एनोड रेज एनोड से निकलती होंगी। क्या हुआ जरा देखिए, प्लीज समझिएगा। सबसे पहला काम भाई होगा पहले की तरह, आपने यहां पर कट 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 किया भाई, एनर्जी सप्लाई करी, कैथोड के पास क्या हुआ, एनर्जी पहुंच गई, यानी पोटेंशियल पहुंच गया। अब हुआ क्या कि इसके जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके जो किसी भी एटम के अंदर जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां पर गए होंगे, कि सर वो इलेक्ट्रॉन चले गए इनफाइनाइट सेल से बाहर और वो पार्टिकल निकल गए। तो सबसे पहले क्या होता है जरा देखिए, सबसे पहले यहां पर ये वाले कुछ पार्टिकल्स होंगे बेटा जी, ये मूव करेंगे ऐसे एनोड की तरफ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो पार्टिकल होंगे ये कौन से होंगे, कैथोड पार्टिकल, कैथोड पार्टिकल, जिनका मूवमेंट किस तरफ होगा, एनोड की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, कितना हमने पढ़ लिया है। अब जरा देखो मेरे बच्चों, हुआ ये कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, और वो प्रॉपर्टी क्या थी कि कैथोड रेज किसी गैस को आयनाइज कर सकती है क्योंकि वो एनर्जी सप्लाई करती है। इस बार हमने क्या किया, हमने यहां पर एट वेरी लो प्रेशर के लिए जो मैंने मान लीजिए कोई गैस रखी होगी, उस गैस को मैंने मान लीजिए कि वो हाइड्रोजन ले सकता हूं मैं, नाइट्रोजन ले सकता हूं मैं, ऑक्सीजन ले सकता हूं मैं, कोई भी ले सकता हूं, लेकिन इस बार मैंने कौन सी ले रखी है, मान लो हाइड्रोजन ले रखी होगी। तो जरा देखो हुआ क्या कि मान लो जब आप हाइड्रोजन गैस के ऊपर कैथोड रेस डालोगे
तो वो क्या करेगी, क्या तोड़ रहे, मतलब हाइड्रोजन के अंदर जो एक बॉन्ड बना हुआ है वो टूट जाएगा, टूटने के बाद वो क्या होगा बेटा जी, एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम ये बात जानते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन को फिर से कैथोड रे से पास करते हैं या कैथोड रे से फिर से टकराएंगी तो क्या होगा बेटा जी, आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम के अंदर का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो भी निकल जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो जरा देखिए वहां पर H प्लस और इलेक्ट्रॉन बनेगा कि नहीं बनेगा, प्लीज समझिएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है जो चल रहे थे एनोड की तरफ यानी कैथोड पार्टिकल, और जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम से निकलेगा अलग से यानी इस गैस से जो निकलेगा वो भी इनके साथ मिलकर एनोड की तरफ ही मूव करने लगेगा। लेकिन आप ये सोचकर देखो कि अगर मान लीजिए इस ट्यूब में बहुत सारे गैस के पार्टिकल हो और उस गैस की वजह से बहुत सारे H प्लस बन जाएं, उस गैस के आयन बन जाएं, तो उनका क्या होगा? आप कहोगे सर अगर वो पार्टिकल, वो मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा जी, इन पार्टिकल का मतलब क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल होंगे ये आपका उल्टा मतलब पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ तो जाएंगे नहीं, किधर जाएंगे, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो देखो इन वाले पार्टिकल को हम बोलते हैं एनोड पार्टिकल, क्या बोलेंगे इनको हम, एनोड पार्टिकल। और प्लीज एक बात समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, एनोड पार्टिकल एनोड से निकलते नहीं है, एनोड पार्टिकल उस ट्यूब में उपस्थित जो गैस होती है उन गैस के आयनाइज होने के बाद पॉजिटिवली चार्ज आयन है और कुछ नहीं। क्लियर हुआ? अगर मान लीजिए कि आपने उसके अंदर हाइड्रोजन गैस ले रखी है तो हाइड्रोजन गैस का वो बॉन्ड टूटेगा जो उनको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बांधे हुआ था, फिर हम उस एटम के ऊपर कैथोड रे डालेंगे जो कि डल रही थी, वो H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। H प्लस क्या होता है, थोड़ी देर पहले ही बताया, H प्लस का मतलब होता है प्रोटॉन, ठीक है, H प्लस का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन। तो जरा देखिए ये वाली जो रेज है, ठीक है भाई, जो कैथोड और एनोड से, कैथोड और एनोड के बीच में गैस उपस्थित थी उसकी वजह से जनरेट हुए, और जैसे ही ये इसकी तरफ चलना स्टार्ट करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर मैंने परफोरेटेड कैथोड लगाया है। परफोरेटेड कैथोड क्या होता है, जिसके बीच में गोल गोल छेद होते हैं, होल होते हैं, तो वो इसे पास करेंगे, यहां पर मेरे पास मटेरियल होगा कोई, वो उस मटेरियल से टकराएंगे और फिर मटेरियल आपको पता है कि फिर फ्लोरोसेंस यानी चमक उत्पन्न हो जाएगी। ये आपके पास एनोड रेज एक्सपेरिमेंट था बेटा, प्लीज पहले की तरह समझिएगा इसको भी। अब जरा देखो पहला देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए एनोड रेज के पाथ में मैं कोई ऑब्जेक्ट को रख दूं, रिजिड ऑब्जेक्ट को रख दूं, तो उसकी शार्प शेडो उसके जस्ट पीछे बनती है और जिससे यह कंफर्म होगा कि एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में चलती है। अब जरा देखो आगे बात करता हूं मैं एनोड रेज मटेरियल के बारे में कि एनोड रेज मटेरियल पार्टिकल्स, मतलब जो एनोड रेज होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। सेम उसी एक्सपेरिमेंट को याद करेंगे कि जब एनोड रेज के पाथ में, जैसे हम कैथोड रेज में करते थे वैसे ही सेम, कि एनोड रेज के पाथ में यदि मैं एक लाइट व्हील पेडल रख दूं, ठीक है भाई, वो छोटा सा पहिया रख दूं तो वो उसको घुमा देती है। घुमाने का मतलब यह होगा कि उस पहिए पर कोई फोर्स लगेगा, और फोर्स तभी लग सकता है जब किसी स्पीसीज में क्या हो, मास हो, और मास होने के लिए उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल का होना जरूरी है। तो यह कारण आपका जो है रिप्रेजेंट करता है कि एनोड रेज मटेरियल पार्टिकल्स होती हैं। आगे बढ़िए मेरे बच्चों, अब यह कह रहा है कि एनोड रेज आज पॉजिटिवली चार्ज, बताया तो था, अरे जब वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रही है, जब वो एनोड की तरफ से कैथोड पर जा रही है तो सीधी सी बात है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज ही होगा। या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि उन रेज को यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करूं, मान लीजिएगा कि ये कुछ पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल अभी तक तो स्ट्रेट लाइन में थे, पर मैंने ये देखा जैसे ही मैं उनको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करता हूं तो मैंने देखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में एक नेगेटिव टर्मिनल एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये पार्टिकल जो है इस बार नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगे। इससे क्या पता लगा कि भाई जो पॉजिटिव से दूर जा रहा है इसका मतलब इन पर पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव के पास आ रहा है इसका मतलब फिर भी उन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यह बात कंफर्म हो जाती है कि एनोड रेज आज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, आगे क्या दिया गया है, एनोड रेज मे गेट डिफ्लेक्ट बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सीधी सी बात है, जब कोई चार्ज, प्लीज समझिएगा, जब कोई चार्ज ट्रेवल करता है
तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, राइट। और मान लीजिए अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वहां पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी होंगे, क्लियर है। अब आप समझिएगा, जब वहां पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे, और मान लो अब होंगे कैसे, वो एक अलग बात है, अब मानने के तो हुआ होगा, ठीक है, कि कोई पॉजिटिव चार्ज हो चाहे कोई नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी चार्ज हो, जब वो ट्रेवल करता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पर दो पोल्स भी होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, सॉरी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई मैग्नेट है, मेरे पास मैग्नेट है, और इसको मैंने मान लिया कि भाई ये आपके पास नॉर्थ पोल है उस मैग्नेट का, ठीक है भाई, और इधर मैंने साउथ पोल की तरह मान लिया, तो होता क्या है कि जब उन पार्टिकल का नॉर्थ पोल इनसे पास करेगा तो नॉर्थ पोल आपस में रिपेल करेंगे, वो साउथ पोल की तरफ जाना चाहेगा, और साउथ पोल उस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अपनी तरफ अटैक करेगा, तो एक तरीके से उनका जो पाथ है ना बेटा जी, वो डेविएट हो जाएगा। अब हमें ये नहीं पता कि वो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, लेकिन डेविएट जरूर होगा, ठीक है। तो ये हमें मानना है कि एनोड रेज मे गेट डिफ्लेक्ट बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आगे बढ़ते भाई, एनोड रेज ऑल्सो अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, ये मुझे बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। एनोड रेज ऑल्सो अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि जिस तरह से कैथोड रेज को फोटोग्राफिक प्लेट पर डाला जाता था तो फोटोग्राफिक प्लेट व्हाइट से काली हो जाती थी, एकदम मुंह काला हो जाता था उनका, सेम ऐसे ही जो एनोड रेज है वो भी क्या काम करेगी, जब आपके पास फोटोग्राफिक प्लेट पर डाली जाएगी तो ये उसको भी ब्लैक कर देंगी। हो सकता है कि आपने एनोड रेज और कैथोड रेज को ऑब्जर्वेशन नहीं देखा होगा, लेकिन आपने बहुत बार देखा होगा एक्सरे जो घर पे होता है, बिल्कुल वैसे ही काला काला कर देगी, ठीक है भाई, उसकी तरह। आगे बढ़ते हैं, द ई बाय एम रेशियो ऑफ दीज रेज इज स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लीज समझिएगा मेरे बच्चों, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं या फिर मैं कैथोड रेज को कंपेयर करूं, कैथोड रेज की बात करूं, कैथोड रेज का जो ई बाय एम रेशियो है वो क्या है, ई का मतलब होता है एक यूनिट चार्ज, और वो किसके बराबर होगा कूलम में, 1.6 × 10⁻¹⁹, और डिवाइड बाय मास का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का मास यानी 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम, यही होगा बेटा आपको के सर, बिल्कुल यही बात है। अब आप समझिएगा, अगर मैं एक तरफ लेता हूं एनोड रेज और एनोड रेज में जो लाइटेस्ट आयन होता है, लाइटेस्ट वो कौन सा होगा, H+, यानी सिर्फ एक प्रोटॉन। अगर मैं कोई दूसरी गैस लूंगा उसका न्यूक्लियस तो और भारी होगा, अगर कोई मतलब समझ रहे हो ना, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, तो हमने क्या माना भाई H+ जो होगा वो सबसे छोटा है। अगर मैं इसका E/m इसका भी कैलकुलेट करूं, बाकी का तो छोड़ो, इसका ही कैलकुलेट करके देखूं, तो मुझे पता है कि भाई एक यूनिट चार्ज का मतलब होगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। आप कहोगे हाँ या ना, बोलो, आपको सर बिल्कुल सही बात है। आगे देखो, अब मैं बात करूंगा एम की, मास कितना होता है एक प्रोटोन का मिनिमम, आप कहोगे सर 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, ठीक है। आप कंपेयर करके देखिए, दोनों का न्यूमिनेटर बिल्कुल सेम है पर डिनोमिनेटर अलग अलग है, आपको खुद पता लग जाएगा कि सर इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है और जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा होता है वो वैल्यू उतनी छोटी होती है, या फिर सर इसका डिनोमिनेटर उतना ही छोटा है और जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है वो वैल्यू उतनी ही बड़ी होती है। तो ये बात क्लियर हो गई है कि ई बाय एम रेशियो ऑफ दीज रेज इज स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बिल्कुल क्लियर है। इलेक्ट्रॉन का मतलब वही कैथोड रेज या कैथोड पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है भाई, तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अनलाइक कैथोड रेज दियर ई बाय एम वैल्यू इज डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द ट्यूब, इट इज मैक्सिमम व्हेन गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब इज हाइड्रोजन। भाई का गजब बात बोली है, मतलब वही जो मैंने सिखाया ना वही बात बोल रही है, क्या कह रहा है जरा देखो, ये क्या कह रहा है भाई कि अगर मैं फोर एनोड रेज की बात करूं, अगर मैं एनोड रेज की बात करूं और मैं ई बाय एम कैलकुलेट करना चाहूं, तो बेटा जी अगर मैं कहूं अगर मैं गैस लूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से क्या होगा 2H बनेंगे, और 2H से क्या होगा बेटा जी, वो 2H से मान लीजिए कि ऐसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन पहले एटम में कन्वर्ट हुई और एटम जो है वो आयन में कन्वर्ट हुआ और इसी
पॉजिटिव पार्टिकल को आप एनोड पार्टिकल कह रहे हो। अब एनोड पार्टिकल में आप जब वैल्यू रखोगे तो कितनी आएगी, ई का वैल्यू होगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। मास कितना होगा, एक प्रोटॉन के बराबर। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, आप कहोगे सर 1.67 × 10⁻¹⁹ ये इसका ई बाय एम आएगा। अब आपको मान के चलना पड़ेगा कि मान लो मैं हाइड्रोजन के स्थान पर इस बार उस जो ट्यूब थी मेरे पास ग्लास ट्यूब उसके अंदर मैं नाइट्रोजन गैस ले लूं, तो आप क्या करोगे, जो नाइट्रोजन गैस है पहले उसको एटॉमिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करोगे, आपको हाँ या ना, आपको सर बिल्कुल सही है। फिर आप नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करोगे, एन प्लस में कन्वर्ट करोगे, है ना। और जब आप एन प्लस का ई बाय एम निकालोगे तो आपको नजर आ जाएगा कि ई बाय एम के लिए ई तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम नाम। और अगर मैं मास की बात करूं मेरे बच्चों तो मास कितना होगा, नाइट्रोजन का बताना है, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास आप लोगों को पता होगा न्यूक्लियस के कंपेयर में बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। इसके न्यूक्लियस में 7 न्यूट्रॉन और 7 प्रोटॉन होते हैं। और हम लोग यह भी जानते हैं कि न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है, जो कि मैंने आपको क्लास फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास में बता दिया था, जब स्टार्टिंग बिल्कुल एटम से करी थी। तो यहां पर आप देखोगे अगर मैं यहां पर लिखूं 7 प्रोटॉन है तो 7 × 1.67 × 10⁻²⁷ और प्लस के 7 आपके पास न्यूट्रॉन हो जाएंगे तो 7 × 1.67 × 10⁻²⁷ वैल्यू। चलो छोड़ो ऑर्डर ही देख लो आप, ये 10⁻⁻ हाँ ठीक है ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और नीचे हो जाएगा कॉमन लोगे तो 14 × 1.67 × 10⁻²⁷ आप जरा देखो ये वैल्यू 1 टाइम है, ये वैल्यू 14 टाइम है इस वैल्यू के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वैल्यू उतनी ही छोटी हो जाएगी। क्या दिया गया है, अनलाइक कैथोड रेस दियर ई बाय एम वैल्यू इज डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। अगर आप हाइड्रोजन लोगे तो ये वैल्यू आई, आप नाइट्रोजन लोगे तो ये वैल्यू आई, ऑक्सीजन लोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास एनोड पार्टिकल्स होंगे या एनोड रेज होंगी उनका ई बाय एम कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं होगा, मतलब सबके लिए कॉन्स्टेंट नहीं होगा, पर्टिकुलर गैस के लिए कॉन्स्टेंट हो सकता है लेकिन सबका बराबर नहीं होगा, यह बात ध्यान रखनी है ठीक है। इट इज द मैक्सिमम मैन हैज द प्रेजेंट इन द इन ट्यूब हाइड्रोजन, कि जब आप हाइड्रोजन गैस लोगे तो हमें पता है कि लाइटेस्ट गैस है, लाइटेस्ट गैस है तो सिर्फ इसके अंदर एक ही प्रोटॉन पाया जाएगा जब इसको आयनाइज कर देंगे आप, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ई बाय एम हाइड्रोजन का ज्यादा होगा। चलो भाई अब बात करते हैं कि दीज रेज प्रोड्यूस फ्लैशेज ऑफ लाइट एंड जेनेस स्क्रीन, ठीक है भाई, प्रोड्यूसेस फ्लैशेज ऑफ लाइट, ये एंड की जगह पर बेटा जी आपको थोड़ा सा इंग्लिश में चेंज करना पड़ेगा, इंग्लिश में चेंज कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा बताना मत किसी को ठीक है। इधर देखो, इधर ऑन इसे कर देना ऑन, और ऑन क्या है, तो जिंक सल्फाइड होगा, मान लीजिए एनोड रेज उस पर टकराई, टकराने के बाद ये भी हीट सप्लाई करती है कैथोड रेज की तरह, ये भी एनर्जी सप्लाई करती है, तो जेडएनएस के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके नीचे से ऊपर चले जाएंगे, आपको पता मतलब लोअर एनर्जी लेवल से हायर में चले जाएंगे, पर वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के नहीं भागेंगे, फिर वो वापस आएंगे, और जब वो वापस आएंगे तो एनर्जी को उनको एमिट करना पड़ेगा, और जब वो एनर्जी बाहर निकालेंगे तो वहां पर एक चमक उत्पन्न होगी, वहां पर एक रोशनी उत्पन्न होगी बेटा, जिसको हम फ्लोरोसेंस भी कहते हैं। क्लियर है, चलिए भाई आगे बढ़ो मेरे बच्चों। यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन का आंसर भी बेटा आप ही करोगे, मैं बिल्कुल नहीं करने वाला आज, सब तुम्हारा होमवर्क है ये। कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड रेज आर मेड अप ऑफ, नहीं बताऊंगा, सब पढ़ा दिया मैंने, ये आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड है और इसका आंसर भी आपको चैट बॉक्स में ही देना पड़ेगा, ठीक है भाई, कसम केमिस्ट्री पैदा करने वाले की सारी कसम दे दूंगा तुम्हें मैं। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे कहा इसने विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कैथोड रेज आर एमिटेड आउट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ कैथोड, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, एनोड रेज आर हैवियर देन कैथोड रेज, एनोड रेज आर एमिटेड आउट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ एनोड, चिल्ला चिल्ला कर बोला मैंने,
एनोड रेज एनोड से नहीं निकलती, एनोड और कैथोड के बीच में जो गैस होती है उस गैस के आयनाइज होने के बाद जो पॉजिटिव पार्टिकल है उनकी वजह से बनती है। आंसर नहीं दूंगा मैं इसका, आपको इसका आंसर खुद करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, क्लियर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसने बोला है कि द ई बाय एम रेशियो ऑफ एनोड रेज प्रोड्यूस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब डिपेंड अपॉन, अरे एनोड रेज का पूछा है मेरे भाई, सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आपको भी करना पड़ेगा। यह हो जाएगा हमारे पास क्या, यह हमारे पास हो जाएगा मेरे बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे न्यूट्रॉन के बारे में और न्यूट्रॉन की क्या जरूरत पड़ी, कैसे जरूरत पड़ी। मैं थोड़ी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। आप लोगों को याद होगा कि एक टाइम था जब बहुत हाई टेम्परेचर था, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर था, इस दुनिया में कोई सॉलिड नहीं था। अगर सॉलिड को आप गर्म करोगे भी समझेगा, अगर कोई चीज सॉलिड होगी और टेम्परेचर हाई था तो समझ जाएगा कि वो सॉलिड पिघल कर किसमें कन्वर्ट हो गया होगा। बोलो आप कहोगे सर वो सॉलिड पिघल कर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया होगा। अगर टेम्परेचर और भी ज्यादा हुआ होगा तो लिक्विड कन्वर्ट होकर गैस में कन्वर्ट हो गया होगा। अगर आपने टेम्परेचर और भी ज्यादा होगा तो वो गैस जो है बेटा जी आयनाइज हो जाएगी। अगर आप और हीट दोगे तो सर वो जो भी गैस होगी उसके सारे इलेक्ट्रॉन निकलकर प्रोटॉन से बाहर अलग हो जाएंगे। आप और टेम्परेचर करोगे सर पता नहीं अब तो कुछ होगा ही नहीं उस टाइम पे। अब स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात। सपोज करो कि इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर था जब ये दुनिया बन रही थी, इतना टेम्परेचर था कि कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। सबसे पहले एक चार्ज डेवलप हुआ, एक चार्ज, सिर्फ एक चार्ज डेवलप हुआ। अब आप सोचोगे सर एक चार्ज डेवलप कैसे हो सकता है, अगर एक चार्ज डेवलप हुआ होगा तो पक्का है उसका एक अपोजिट चार्ज भी डेवलप हुआ होगा, क्योंकि दुनिया को बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। दुनिया में हर चीज बैलेंस है तभी वो चल सकती है। तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर इस पैन को मैं ऐसे रगड़ता हूं, ऐसे रगड़ता हूं, ऐसे रगड़ता हूं, फ्रिक्शन लगाता हूं बहुत देर तक और छोटे छोटे पार्टिकल्स को इसके पास लेकर जाता हूं, तो जरा देखो अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो अपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल इसको चारों तरफ से घेरने लगेंगे, राइट। तो हुआ क्या, हुआ यह कि सबसे पहले एक प्रोटॉन बना, मान के चलिएगा कहानी है ये, फिर समझना कि एक प्रोटॉन बना और प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर एक इलेक्ट्रॉन बना जो उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगा होगा, ऐसा मान लेते हैं। और सबसे पहले यही बना होगा और एक्चुअल में सबसे पहले बना भी यही था। हम लोग जानते कि पूरी केमिस्ट्री में सबसे पहले बनने वाला एटम हाइड्रोजन था। और वो हाइड्रोजन क्या है कि सर इसके अंदर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है। किरण सर बात सही कह रहा हूं, सही बात बोली, मान गए हम। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में प्यार बहुत है इसलिए साथ है, घूम रहे चारों तरफ क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा तो आप एक ही डायलॉग बोलोगे, सर एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक साथ नहीं रह सकते, और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जैसे ही एक साथ रहेंगे तो उनमें रिपल्शन हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, और जैसे वो लड़ाई होगी तो उन लड़ाई को बंद करने के लिए, रुकवाने के लिए कोई तो चाहिएगा हमें। अब जैसा हुआ, अभी दुनिया की निर्माण हो रहा है, हाइड्रोजन बन चुका है, अब भगवान चाहते हैं कि भाई हमें कुछ और बनाऊंगा, हाइड्रोजन तो बन गया मुझे तो और चीजें बनानी पड़ेंगी ना, क्योंकि इन्हीं एटम एटम को जोड़कर सारी दुनिया बनानी है। दूसरे नंबर पे उन्होंने बनाई हीलियम, सोचो हीलियम बनी होगी क्योंकि एक प्रोटॉन के बाद दो प्रोटॉन उसी में आते हैं, नेक्स्ट एटॉमिक नंबर उसी का है, तो भगवान ने बना दी क्या हीलियम। लेकिन एक कंफ्यूजन आ गया माइंड में कि सर यह बात कंफर्म है कि पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव चार्ज चाहिए था, इसीलिए जितने प्रोटॉन बने उतने इलेक्ट्रॉन भी बने। पर एक बात बताओ कि जब ये न्यूक्लियस के अंदर हीलियम के अंदर दो प्रोटॉन बैठे होंगे तो दोनों प्रोटोनों में तो बड़ा गुस्सा होता होगा, बड़ी लड़ाई होती होंगी, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, तब हमारे माइंड में एक चीज आया कि भाई अगर इनके रिपल्शन को कम करना है तो इनके बीच में एक मीडियोकर कुछ फंसाना पड़ेगा हमें ताकि इनका रिपल्शन कम हो जाए। मैं आपको थोड़ा सा इस भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा ये एक मैग्नेट है, प्लीज समझिएगा ये एक मैग्नेट है और ये भी एक मैग्नेट है, मैंने छोड़ा चिपक गई, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स बन गया इनके बीच में। मैं आपसे ये कहूं यार मैंने काम करता हूं,
आप अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हो, ये डेली लाइफ में, कि अगर ये मैग्नेट होगी, ऊपर भी एक मैग्नेट है और बीच में आप कुछ लकड़ी का या कुछ भी ऐसा सरफेस दे देते हो जो इन दोनों के बीच में आ जाता है, और मान लो अगर इनके दोनों के बीच में आ गया मेरे बच्चों, तो मुझे एक बात बताओ कि पहले जितना ज्यादा फोर्स लग रहा था डायरेक्ट, पहले ज्यादा लगेगा या जब हमने कुछ बीच में डाल दिया तब ज्यादा लगेगा? आप कहोगे सर बीच में डालने से कुछ भी फोर्स कम हो जाता है, ठीक है, फोर्स कम हो जाता है। ऐसे क्या हुआ होगा कि हीलियम के केस में जो दो प्रोटॉन थे उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स था, अगर मैं उनके बीच में न्यूट्रॉन फंसा दूं, न्यूट्रॉन रख दूं, तो सीधी सी बात है कि उनका जो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन है, रिपल्सिव फोर्स है, वो कम हो जाएगा, और कम होने के बाद वो अपने आप को स्टेबल फील करेंगे। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन जो होते हैं वो बैलेंस बनाते हैं बेटा जी, ठीक है। तो हम यहां पर कहेंगे कि न्यूट्रॉन की इस तरह से न्यूट्रॉन जो है बेटा जी, मतलब मास को देखते हुए ऐसे सबके सामने आया, प्रेजेंटेशन हुई इसकी, ठीक है। तो न्यूट्रॉन भी आपके पास वो पार्टिकल है जो आपके न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है और बहुत सारे प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाले रिपल्शन को मिनिमाइज करता है, रिपल मतलब कम करता है, ठीक है। ये कहानी मैं नहीं, ये आप जेडी ली बुक में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि क्यों न्यूट्रॉन, क्या क्या मतलब न्यूट्रॉन काम क्या होता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अब जरा देखो बेटा जी आगे, न्यूट्रॉन की अगर मैं बारे में बात करूं तो मास ऑफ न्यूट्रॉन सबको पता होना चाहिए, जरूरी है, काम में आता है, वो होगा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन दैट इज जीरो। अगर ये जीरो है तो मैं कहूंगा कि स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा, स्पेसिफिक चार्ज आप कहोगे सर ई बाय एम के हिसाब से, ई जीरो है, मास है कुछ, लेकिन फिर तो ये वैल्यू जीरो हो गई कि उसका न्यूमिनेटर ही जीरो है, ठीक है। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी क्या हुई भाई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने कही, तो हम लिखेंगे न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स वॉटसन। अबे वॉटसन क्रिकेट खेलता है भाई, जेम्स चैडविक लिखेंगे यहां पर, ठीक है, जेम्स चैडविक, सोच रहे थे जेम्स वॉटसन बोलूंगा, चलो भाई ई वाई एम, ये बात क्लियर हो गई। और एक वर्क के बारे में सुनेंगे, किसका वर्क क्या है, टू मिनिमाइज द रिपल्शन, ठीक है भाई, रिपल्शन अमंग प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। अब आप समझिएगा, इन द न्यूक्लियस हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन था, रिपल्शन हो नहीं रहा था, लड़ाई किससे करता, तो न्यूट्रॉन की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। हीलियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बलाना, निमकाना, कितने भी एलिमेंट लो, वहां पर नंबर ऑफ प्रोटोन आ गए तो लड़ाइयां होनी स्टार्ट हो गई, तो उनको बैलेंस करने के लिए उनमें न्यूट्रॉन भी आते चले गए। तो यही एक कारण भी है कि आप लोग अगर ये सोचते होंगे कि भाई हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन क्यों नहीं होता, तो इसलिए ही नहीं होता। तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा आज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं, विच ऑफ द पार्टिकल इज नॉट डिफ्लेक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट वही होगा जिसका अपना भी कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड उसी पार्टिकल का होता है, ट्रेवल पार्टिकल का होगा, मतलब मूविंग पार्टिकल का होगा जिस पर चार्ज होगा, यानी जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब आप सोचकर देखिए, यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन बोला, मुझे पता है कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है नहीं, जब कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड से अगर पास भी करोगे तो सीधा सीधा निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, टिक कर देना। अब आगे देखो भाई, आगे क्या कह रहा है ये, आगे उसमें बोला कि द ई बाय एम रेशियो इज मैक्सिमम 4। मैं नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5 डाल लेना, ये 5 मैंने करवाया था वैसे, इसको क्वेश्चन नंबर 6 बताना बेटा ये, और ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें चैट बॉक्स में लिखने हैं, कसम है तुम्हारी केमिस्ट्री पूरी खराब हो जाएगी,
श्राप दे रहा हूं मैं तुम्हें भी, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। इधर देखो, इधर द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओहो, मैं आपको बताता हूं बेटा जी, अल्फा पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो अल्फा पार्टिकल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, बाकी ये सब आगे डिटेल में करवाऊंगा मैं आपको, ये सारे मॉडल्स में आएगा। अल्फा पार्टिकल के लिए मैं हिंट देता हूं, ये होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, ठीक है? और ड्यूट्रॉन क्या होगा भाई, ड्यूट्रॉन हमारे पास क्या होगा, डी प्लस। ड्यूटीरियम जो होता है, ड्यूटीरियम, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ड्यूट्रॉन बन जाएगा। अब आगे मैं कुछ बताऊंगा नहीं, ये मैंने हिंट दे दिया और क्वेश्चन हो गया आपके सामने ये 7। आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल, कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है किसी भी एटम का? क्यों बताऊं मैं, क्योंकि तुम लोग बहुत डीपीपी चिल्ला रहे थे ना, तो उनके नाम पर मैं क्वेश्चन ले आया इस बार, ठीक है? और तुम्ही से कराऊंगा। जय भारत।